हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पे कल की ये क्लिप है, क्योंकि कल की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे सब्जी वाले को देख रही हूँ। आलू वाला आया है, क्योंकि कल कचौड़ी बनाई थी, आप लोगों को पता ही है, इसलिए मैंने आलू वाले को देख रही हूँ। तो मैंने बोला थोड़ा सा सूट करने के लिए अपनी बेटी से, तो बस यहाँ पे बोल रही हूँ। पीछे वाले यहाँ से गीला रहता है ना, तो पीछे वाले गेट पे ही सब लोग सब्जी खरीदते हैं, तो उसी पे जाके आलू खरीदूँगी। आलू घर में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और मुझे बनानी थी कचौड़ी। आप लोगों ने कल का वाला व्लॉग तो देख ही लिया है, तो बस यही था, वो आने वाला है। मैं बोल रही हूँ पैसे लेके आ जाऊँ और उस तरफ से लूँगी, यहाँ से नहीं, यहाँ की सीढ़ियाँ फिसलनी है, गिर सकते, इसलिए इधर से नहीं लेते, उधर जाके ही लूँगी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आ जाओ सोना, और नहा के आई हूँ, फिर ये आ जाएंगे, फिर वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। और अभी जस्ट एक वीडियो मैंने पब्लिश किया। क्या अशोना अभी नहाई नहीं है, क्योंकि अभी अभी सो के उठी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8:30 का टाइम हुआ, तो और बारिश हुई है रात को, तो जल्दी से नहला देंगे, फिर सर्दी हो जाएगी। क्या ले रही बाबू? मछली, वो हाथी राजा बहुत बड़े, सुना ना, सुना नहीं सुना होगी, सुना दो, मौछी देख रही है, जोनी है, पापा सुनाओ। अच्छा वो वाली सुना दो, अरे मामा लाए एक कटोरी, सुना ना, मेरी शोना छाला सुना लेती है, बाल दब गए। हाँ सुना, फिर नन्नू करने चलेंगे, तो इसलिए इसे लेट नहीं लाया। बाबू गई हो? नहीं गाएगी, नहीं गाएगी, नहीं गाओ, गा दो थोड़ा। लोने लदी आगे गा, आगे नहीं बोल पाती, गा तुम चुप हो जाओ, उसको सुना। हाँ बाबू आगे मछली वाली सुना ना, मछली अच्छी है, गा तुम चुप हो जाओ, बाबू जल्दी जल्दी गाओ, सब हिचकी आ रही है छोना को, तो बाय कर दो, चल बाय कर दो। और यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, टाइटल चोरी करना क्या होता है, ठीक है ना, पता है मैंने भी ऐसे सोचा था मैं अपनी टाइटल चोरी कर लेता, पर ठीक है ना, हम इस लाइफ हैं, कोई हमारे टाइटल चोरी करता है, हम रात भर दिमाग लगाते हैं कि ये टाइटल जाएगा वीडियो पे, ये कोई उसकी नकल करके अपनी वीडियो में लगा लेता, तो क्या होता है, किसी का भला होता है, अच्छा है ना। आजकल कोई किसी का भला ही नहीं चाह रहा है, वीडियो में बार बार कट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये मान ही रहे कि गुड्डा दे दो कोई कुछ, और कुत्ते भी बहुत भूख रहे हैं। अब मैंने पूजा कर ली, ये देख सकते हैं, अब नहीं, और बस यही, आजकल कोई किसी का कोई भलाई नहीं करना चाह रहा है, बस अपनी अपनी पड़ी है। और एक चीज़ किसी से मत बोलो ना, ये देखिए सारे गुड्डे पे गुड्डे के, हेल्प कर दो, तो ये रिप्लाई पता है क्या आता है, किस किस की करें, अरे एक की करो, आप एक की करोगे, एक उसकी करें, एक एक से कितने की मदद होती है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार। मैं पता है ये बात कई बार बोल चुकी हूँ, पहले सोचती थी कितना अच्छा खुश है यहाँ पे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल गलत है, यहाँ कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, एक दो बंदे हैं वो करते हैं रिप्लाई में, पता है हमें ये मिलता है तो बड़ा वो लगता है, अरे आप एक, मुझे पता है कोई भी इतने सारे लोगों की सपोर्ट नहीं कर पाता है, पर एक की तो सपोर्ट करो, एक की आप करोगे, एक की और कोई करेगा, ऐसे एक एक करके बहुत सा सपोर्ट होगा। आप लोग बताओ गलत बोल रही हूँ, थोड़ा तो इंसानियत रखो, आप में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। और फिर कोई कुछ करना चाहे, मेरी फ्रेंड है तो आप बोलते हो ये चोरी कर लिया, हद है, ऐसा तो मत करो, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, हकीकत बात है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में स्वार्थी इंसान होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, चलिए तो बातें बहुत सारी हो गई, खाना बना लेते हैं। यहाँ पे मैं पालक को खूब अच्छे से 5-6 बार धो के लेके आई हूँ, आप लोगों को पता है धोना कितना ज़रूरी हो जाता है। और कढ़ाई रखी है इसमें, रात की रखी थी, धोई नहीं है, तो इसी में तड़का दे दूँगी। और वैसे तो मैं भगोने में इसको उबाल लेती हूँ, पर इस बार ना थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है, ये आ जाएंगे, तो कुकर में उबाल रही हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे साग बनाते हो, हम तो ऐसे ही बनाते हैं, अपनी अपनी अलग अलग तरीके से हैं, आप लोग एक बार इस बार ट्राई करिएगा, हमारे यूपी में तो ऐसे ही बनता है। तो कुकर में मैंने साग रख दिया है, और इसमें क्या क्या डालूंगी वो आप लोग देख लीजिए,
इसमें डालूंगी मूंग की दाल थोड़ी सी, एक मुट्ठी सी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आप लोग किचन पे मत ये बोलिए किचन कितना भरा है, क्योंकि खाने के टाइम तो किचन भरता ही भरता है, ये निकालो वो निकालो तो समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए तो ये देखिए मूंग की दाल को मैंने तो दो चम्मच समझ ली, तीन चम्मच इतना लिया। इसको धो के और उधर गैस चढ़ाई दिए, इसको धो के और चार पांच हरी मिर्ची डाली, क्योंकि साग जब तक चटपटा ना हो मज़ा नहीं आता। और ये हरी मिर्ची कुकर में ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि कुकर में उबल जाएंगी और पता भी नहीं चलेंगी और अच्छा सा एक वो आ जाएगा। और साग बिना तीखा हो और कुछ भी चीज़ बिना तीखी नहीं अच्छी लगती है, इसलिए तो ये देखिए दाल डाल दी है मैंने इसमें। पीछे से नल की आवाज़ आ रही होगी तो बस इग्नोर करिएगा। तो इसमें मैंने हरी मिर्ची दाल डाल दी है और इसको बंद कर दूँगी, ये देखिए बंद कर दिया, बस ये उबल जाए और फिर इसको करूँगी। भगोने में भी बना सकते पर भगोने में थोड़ा सा टाइम लगता है इस वजह से। तो चलिए इसको उबाल लेती हूँ और फिर देखती हूँ इसमें क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। तो देखिए मेरा साग उबल चुका है, इसको खूंटना होता है, खूंटेंगे नहीं तो सारा साबित साबित रखा है। इसमें यही सबसे मेन चीज़ होती है, जब साग बना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इसे खूब अच्छे से खूंट दिया है, कैमरा बोलते नहीं कभी कभी कैमरा वो ऑन करना भूल जाता, खूब चमचे से इसको वैसे मिला दिया, खूब अच्छे से बारीक कर दिया। और यहाँ लिया मैंने एक टमाटर बड़ा सा, एक प्याज, बहुत सारा लहसुन और सूखी मिर्ची और थोड़ी सी हरी मिर्ची। और मेरा आप लोग बेसन का घोल डालिएगा, मेरा बेसन ख़त्म हो चुका था। मैं झूठ बोलूं फालतू में तो मुझे ये पसंद नहीं है, बेसन ख़त्म हो चुका था आटे का, मैंने इसमें घोल डाला है आप लोगों ने देखा ही। और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको बनने देती हूँ धीमी आंच पे, जब तक इसकी लहसुन, साग में मेन चीज़ होती है लहसुन का तड़का बहुत ज़रूरी होता है, इसकी खुशबू ना हो तब तक हमारा साग अधूरा होता है। और आप बर्तन की अलमारी देख रहे होंगे खाली है, क्योंकि बर्तन सेट नहीं किए हैं, क्योंकि बर्तन धो के आ गई हूँ, आप लोग पता है सारा काम हो गया। तो मैंने रख दिया साग इधर, कम गैस पे खोलता रहे, क्योंकि अभी आटे का मैंने इसमें घोल डाला इस वजह से, जब तक मैं लहसुन और ये सब कर ले रही हूँ और उस बीच बीच में वो भी देखती जा रही हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ती हैं। तो बस लहसुन छील ले रही हूँ, लहसुन मैंने बहुत सारा छीला है ये देखिए, और प्याज लिया है। और एक बार इस तरीके से आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा साग कैसा बना, अच्छा बना या नहीं बना, क्योंकि ट्राई करोगे तभी तो आप लोगों को पता चलेगा। तो बस कोशिश रहती है नई नई आप लोगों के लिए रेसिपी लाने की, ट्राई तो करती रहती, फिर कभी बोलते नहीं हो नहीं पाता कभी कभी इस वजह से। तो चलिए लहसुन काट लिया, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए, रिफाइंड में मैं तड़का लगा रही हूँ, सरसों के तेल में लगाती थी पर मैंने सोचा उसमें रिफाइंड रखा हुआ था तो उसी में लगा दो, फिर चेंज करो तो फिर क्या, इसलिए तो मैंने कैमरा ले लिया है पास में। और इसमें डाल दिए साबित मिर्ची और लहसुन, साबित मिर्ची का बड़ा लफड़ा होता है, धस बहुत हो जाती है, तो ज़्यादा नहीं भूनेंगे, लहसुन को तो भूनना पड़ेगा। पता है जब आज मैं मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ कहीं कुछ आ रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉइस ओवर वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे किराएदार हैं, चिल्ला चेथन होती रहती, कोई कौन क्या कह रहा है, कहीं नल चला रहा है, तो हम किसी से मना नहीं कर सकते, आप लोग समझ सकते हो, तो बस इसलिए। और ये देखिए मेरा, मैंने प्याज लहसुन सब कुछ भूंज लिया था, इसमें डाला है टमाटर, टमाटर को अच्छे से कर दूँ क्योंकि साग में टमाटर दिखना नहीं चाहिए। और डाल दिया नमक, नमक से तो वैसे भी टमाटर गल जाएगा। मुझे यहाँ पे वीडियो वॉइस ओवर बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर कहते नहीं करना पड़ता है, और जब करने पे आए तो वो चीज़ करके ही मानते हैं अगर ठान ली जाए तो। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए मैंने सारा कुछ, आप लोगों ने देखा ही था, और टमाटर को दबा दबा के वो कर दूँ, सूखी मिर्ची लहसुन इसमें मेन होता है। और यहाँ इसमें डाल दिया मैंने साग, देखिए मैंने कितने अच्छे से घोटा हमारे यहाँ, घोटा बोलते पता नहीं आप लोग क्या बोलते, समझ में बोल नहीं पाती शायद, कभी कभी जीभ फिसल जाती है। और कल एक कमेंट आया था, एक बात को बार बार क्यों बोलते, तो यार बोलना पड़ता है, चलता है, मैं तो बोल देती हूँ, समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, मैं बोलती रहूँ आपको समझ में ना आए तो ये भी गलत है ना। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आया साग का, ये चावल से खाइए, मक्के की रोटी से खाइए, बाजरे की रोटी से खाइए, बहुत ही प्यारा सा स्वाद आया, बहुत और खूब चटपटा बना था, मेरे से मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, आप थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि ज़्यादा तीखा शायद हम तो खा लेते पर आप ना खा पाओ, इसलिए बहुत ही यम्मी बना था। तो चलिए साग बन चुका है, इसको धीमी आंच पे रख देते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं साग को बनाने में, आप लोगों को बताइए। तो बस ये था, और रोटी बनानी है, थोड़े से चावल बनाऊंगी, और इस ये देखिए खदका भी आ गया। तो उधर साग बन चुका है, टीवी चल रही है, और कपड़े धोए थे, ये मैंने साड़ी का कवर बनाया है दरी के लिए, जो कि मेरे हस्बैंड खाट पर बिछा के सोते, तो
गंदा हो गया था, तो इसको मैंने बोला धो लेती हूँ। और इसको सिलना नहीं होता, सिर्फ बांधना होता है। ये देखिए चढ़ा दिया है। हम लेडीजों को थोड़ा सा टाइम मिलता है, सोचते ये कर लें वो कर लें, तो बस कवर चढ़ा ली हूँ और इसको रख दूँगी। और कूलर लगा दिया, रात का समय हो गया ये देख सकते हैं। और रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। पता है दोनों तरफ से हमारे बारिश का पानी आता अंदर और कमरा भर जाता है। तो बस कूलर वूलर लगा लिया, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। और ये देखिए हमारी, उसका मैंने कवर चढ़ा दिया है। और ये साड़ी वगैरह हो तो फालतू पैसे वेस्ट क्यों करना। ये देखिए कवर चढ़ चुका है हमारा, चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया। तो मैं ऐसी चीज़ें यूज़ में ले लेती हूँ। ये मलाई मैंने एक रेसिपी के लिए तैयार कर रही हूँ, ये मलाई इसलिए मैंने रख रखी। और ये देखिए फिर से चोला ही ले लिया मैंने, पर इस बार सूट नहीं करूँगी। ये देखिए तो बनाऊंगी चोला ही अपने लिए, मुझे पसंद है। ये तो थोड़ी सी बनती है, ज़्यादा नहीं बनती है। और देखिए आम कितना बड़ा है। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब के साथ रोज़ सपोर्ट।